नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों दिल्ली के दौरे पे हैं और दिल्ली के दौरे पे वो विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के हितों की पैरवी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की थी। बुधवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। इन दिनों जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ऐसे में हिमाचल प्रदेश को उनसे और अधिक आशाएं जुड़ जाती हैं, क्योंकि जब नड्डा ही स्वास्थ्य मंत्री थे तो हिमाचल प्रदेश को एम जैसा एक बड़ा संस्थान मिला था जो वर्तमान में प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में अहम भूमिका निभा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व जगत प्रकाश नड्डा दोनों एक ही लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और दोनों का लोकसभा क्षेत्र मिलता है हमीरपुर। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही बिलासपुर आता है, जहाँ पे एम्स भी स्थित है और साथ ही हमीरपुर में एक मेडिकल कॉलेज भी जो है वो इस समय चलाया जा रहा है और अतिशीघ्र वो नए भवन में शुरू होने जा रहा है। तो जब मुलाकात हुई सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ में नड्डा की, तो उन दोनों के बीच में क्या बात हुई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहाँ उन्हें प्रदेश में वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी, वहीं उनके साथ ही उन्होंने प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उदार वित्तीय सहायता देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो नए निर्माणाधीन जो कॉलेज हैं, उसमें चाहे हमीरपुर है, चाहे चंपा है, चाहे नाहन है, इन सबको अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का उन्होंने अनुरोध जगत प्रकाश नड्डा से किया है। इसी के साथ उनके साथ में इस मौके पे सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर जो है वो कुल्लू से संबंध रखते हैं, तो सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसलिए साथ ले गए थे ताकि वो कुल्लू की पैरवी कर पाए। जी हाँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नड्डा से मुलाकात कर कुल्लू के लिए एक अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुल्लू के साथ लाहौल स्पीति जो है एक ट्राइबल क्षेत्र है और वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जो है वो मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि कुल्लू के साथ लाहौल स्पीति और बहुत सारा दुर्गम क्षेत्र लगता है, इसलिए यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है और आप जब केंद्र में मंत्री हैं तो हिमाचल प्रदेश को उम्मीद है कि कुल्लू में भी आप मेडिकल कॉलेज में यथासंभव सहयोग व सहायता देंगे। इसी के साथ प्रदेश का एक और अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है वो बल्क ड्रग पार्क है। बल्क ड्रग पार्क को लेकर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जेपी नड्डा से विस्तृत मुलाकात की। उन्होंने बल्क ड्रग पार्क की पूरी जानकारी, प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि बल्क ड्रग पार्क की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीच में चुनावी आचार संहिता व अन्य कार्यों के चलते जो है इसमें देरी हुई है। उन्होंने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री से स्वयं संज्ञान लेते हुए बल्क ड्रग पार्क के मामले में भी उन्हें आर्थिक सहायता देने की बात की है। उन्होंने बताया कि ये बल्क ड्रग पार्क जो है ये प्रदेश के लिए अति महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि इसके साथ जहां हिमाचल प्रदेश जो है ड्रग्स के क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी बन जाएगा, वहीं इसके साथ स्थानीय लोग और प्रदेश के लोगों का रोजगार की संभावनाएं भी सबसे अधिक जुड़ी हुई है। हालांकि नड्डा ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से सुना और उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को आश्वासन दिया कि केंद्रीय सरकार अपने स्तर पर जो भी संभव सहयोग प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक व बेहतर बनाने के लिए होगा वो किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 दिन के दिल्ली दौरे पे हैं। इस दौरान वो लगभग सभी मंत्रालयों में जा करके मुलाकात कर रहे हैं और प्रदेश की पैरवी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या अब ये जो सुक्खू और नड्डा की मुलाकात है ये क्या रंग दिखाती है, क्या कुल्लू को मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा, ड्रग पार्क में क्या नड्डा खुलकर हिमाचल प्रदेश की सहायता करेंगे। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।